ये रावी टूल प्लाजा है जिसे लाहौर के 6 दाखिली और खारजी रास्तों में सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। रावी टूल प्लाजे पर 3 सब इंस्पेक्टर समेत 15 पुलिस सहलकानों को यहां से गुजरने वाले मुश्तबा अफराद और गाड़ियों पर नजर रखने के लिए मुस्तकिल तौर पर तैनात किया गया है। इन अहलकानों की मौजूदगी के बावजूद सामान से लदे ट्रक बगैर किसी तलाशी के शहर में दाखिल हो रहे हैं। शहरियों को किसी तलाशी के बगैर शहर में ट्रकों के दाखिले पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। गलत बात है ना, चेक करके होना चाहिए ना। आप देखें स्कूटी किस तरह जा रही है मुल्क की, तो बेहतर तो यही है कि उसकी चेकिंग करके उनको जाने दें। बड़ी गाड़ी को चेक करेंगे तो टाइम लगेगा, तो ये अपनी कार्रवाई यानी फिल कर रहे हैं कि यानी कागजी कार्रवाई जो उनकी फिलिंग में हो उसको पूरा कर रहे हैं और कोई मसला नहीं। हर ट्रक चेक नहीं हो सकता, इसलिए तो कोई हालात ऐसे हो जो 10 रुपये है। इतने अहम नाके पर ना तो सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए हैं और ना ही गाड़ियों की चेकिंग के लिए स्कैनर नस्ब किए गए हैं। नाके पर मौजूद पुलिस अहलकार सिर्फ छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर गुजरने वाले शहरियों को चेक करते नजर आते हैं। उनका कहना है कि हर गाड़ी और ट्रक को चेक करना मुमकिन नहीं है। हमें जो अहकाम हैं वो यही हैं कि ये छोटी गाड़ियों में ऐसी शिकायतें होती हैं, बड़ी गाड़ियाँ जो हैं उनमें कोई ऐसा असला वगैरह नहीं आता, और अगर तमाम गाड़ियाँ रोकें तो फिर तो सारा दिन ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। वजारत दाखिला के मरासले के मुताबिक शहर में मंशियात और असला बजरी के ट्रकों के जरिए लाया जाता है। ऐसे ट्रकों का बगैर चेकिंग के शहर में दाखिला किसी बड़े खतरे को दावत देने के मुतरादिफ है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ शफीक शरीफ, सिटी 42, रावी टूल प्लाजा।